भी अध्यादेश देगी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? ये सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अटैक है और फेडरलिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत मजबूती दे रही है। सब जगह एक ही समान वो नहीं रहेगा, इससे जो प्रदेश है और जो छोटे प्रदेश हैं उनके अलग तरीके के जो मामले रहते हैं उससे ध्यान हटकर सिर्फ एक ही पॉलिसी बनी जाएगी जो हमारे पूरे देश पर लागू होगी। हालांकि हर क्षेत्र में जितने भी हमारे छोटे राज्य हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से राज्य नहीं। लेकिन मैम 1967 और 70 से पहले तो वन इलेक्शन वन नेशन था, तो जब कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें दिक्कत क्या है कि अगर बीजेपी खर्च बचाना चाह रही है एक साथ इलेक्शन करा के तो दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मामला है इससे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे, हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कमजोरी मिलेगी और उसके हम बिल्कुल हक। लेकिन मैम 1970 से पहले क्या कमजोर था फेडरल सिस्टम? तो उसको सुधारा गया क्योंकि तब तक हमारा जो देश था वो नया नया आजाद हुआ था, नया बना था, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो फिर ये बेहतर समझा गया कि फेडरल स्ट्रक्चर को, सेंट्रलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, हमें फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत चाहिए। लेकिन मैम ये स्ट्रक्चर की वजह से नहीं हुआ था, असेंबली भंग की गई थी उसकी वजह से हुआ था। बिल्कुल, और तब से अब यही हमारे यहाँ का दस्तूर है और हर राज्य की अलग राजनीति है। अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो राज्य के जो विशेष मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं जाएगा। मैम जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आया है उस पर आपकी क्या राय? देखिए उसके तो हम पुरजोर तरीके से खिलाफ हैं और खिलाफत रहेगी। ये हमारे जो अपनी जो चैरिटेबल पर्सनल बोर्ड की ट्रस्ट है उस पर एक सीधा सीधा अटैक है, ये मुसलमानों के हक और हकों पर अटैक है जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध। लेकिन मैम ये तो आधा सच है, बीजेपी जो कर रही है वो गवर्निंग बॉडी में ला रही है डीएम को, डीएम को सांसद या जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कवर कर सकते हैं, सरकारें बदलेंगी। अभी जो सच्चाई है वो ये है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें खुद बुद करी जा रही हैं, चाहे वो लीज के नाम पे हो चाहे मज़ारों के नाम पे हो। तो अगर वो उसको सेंट्रलाइज कर कर उसको गवर्नमेंट के अंडर में लाकर अच्छा काम कर रही है तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है या आपकी पार्टी क्या? नहीं, मेरी सिर्फ पार्टी को नहीं, पूरे विपक्ष को और देश के पूरे मुसलमानों को इससे दिक्कत है, शायद आपको भी होनी चाहिए तो बेहतर होगा। नहीं मैम हमारा कोई साइड नहीं है। नहीं आपका होना चाहिए, पॉलिटिक्स तो पर्सनल होती ही है, आपका भी होना चाहिए और मुझे पर्सनली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारे मजहब के लिए जो वक्फ की गई जमीन है उनके साथ खिलवाड़ होने का प्रयास है जिसके हम खिलाफ हैं, और इसमें डीएम को लाकर किसी भी और चैरिटेबल ट्रस्ट में, चाहे आप सिख प्रबंधन कमेटी हो, किसी मंदिर की प्रबंधन कमेटी हो, वहाँ पर ना तो कोई डीएम उसका मेंबर होता है ना किसी और मजहब के लोग उसके मेंबर होते हैं। ये एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है और वक्फ बोर्ड भी उसी तरीके से है, तो इसमें जो भी अंदर से रिफॉर्म्स आने होंगे उसके लिए वो सजेशन दे सकते हैं, हम खुद रिफॉर्म्स करेंगे, जो इंटरनल बॉडी है वो अपने आप रिफॉर्म्स करेगी, सरकार को ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में दखल देने। लेकिन मैम एक बात, एक आखिरी बात मुझे ये बताइए, जो 80 से 84 लाख दलित मुस्लिम हैं जो कि दलित से मुसलमान हुए हैं उनका आज तक आरक्षण में कई नाम नहीं है, उस पर विपक्ष या आपकी सरकार आप क्यों नहीं बोल? चलिए उस पर विपक्ष